चलिए अब निकलने का टाइम आ गया है। भाई बाइक देखो आप सामने, BMW S1000 एंड हार्ले 750। यार ऐसे बोलते हैं साउंड, मैं बोलता हूँ ऐसे बोलते हैं साउंड। अरे इससे डीप था और क्या, मेरे पास नहीं था, मैं फैमिली को दिया था उसने। उसका साउंड बहुत जानदार है या आप कहाँ से आए हो? दहीसर। अरे वाह, हम भी दहीसर के ही हैं। ये है यूट्यूब पे चैनल। हाँ है ना, देखना फिर, मेरा अभी स्पीति की राइड का है, देख लेना। ट्वेंटी वन स्पेस व्लॉग्स, व्लॉग्स VLOGS मिला। ओके फिर मिलेंगे, चलो ओके बाय बाय। सो यहाँ से यू टर्न। ओए होए 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 होए, वारे जाऊं तेरे साउंड पे। यहाँ पे डलवा ले ले पेट्रोल। भाई पेट्रोल भी इतना महंगा हो गया है ना कि अभी तो किडनी गिरवी रखनी पड़ेगी ऐसा लगता है। 106 रुपये, 500 पे जितना पेट्रोल आता था अब वो 600 पे आ रहा है, जो 100 रुपये की चपत है सीधे सीधे। 600 पे 5.65 लीटर्स, क्या ना इंसाफी है यार। चलो क्या बोल रहा, चलो आ जाओ। सो बाइक जो है वो चेंज हो रही है। सो आपका भाई आज जो है वो चलाने वाला है बिनेली। आय हाय हाय हाय, क्या तो रेस्पॉन्स है यार। बट एक थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, छोटा सा हैंडल बार। साउंड बाइक, ओ माय गॉड, BMW 1000। सो इंजन स्मूथ है बट समहाउ मुझे हैंडल बार तक जो है वो वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं। आई एम नॉट श्योर कौन से गियर में अभी बाइक, पता नहीं चल रहा है मुझे, बट बहुत ही इजी बाइक लग रही है चलाने के लिए। सही है पहला, तो अभी पता चल रहा है ये है फर्स्ट गियर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स। ओके बड़े बहुत शॉर्ट गियर्स हैं यार इसके। सो बेसिकली ये नेकेड स्पोर्ट्स बाइक है और अर्बन एरियाज के लिए ज़्यादा बनी हुई है। सो टॉक तो मतलब ऐसा भर भर के टॉक है गाड़ी में, खतरनाक। तो आपको गियर शिफ्टिंग की ज़रूरत ही नहीं है, आप बिल्कुल एकदम लोअर स्पीड्स में पहुंच के और थ्रॉटल दो, गियर चेंज की ज़रूरत ही नहीं है। ये बहुत सही लगता है नेकेड स्पोर्ट्स बाइक्स का, ज़्यादातर में जो है वो शॉर्ट गियरिंग्स रहती हैं और आपको गियर शिफ्ट्स का कोई टेंशन नहीं होता है। बट यार सरप्राइजिंगली
वाइब्रेशन है बाइक में, आई डोंट नो व्हाई, बट हैंडल बार, फुट पैग्स सब में जो है वो मैं वाइब्रेशन फील कर सकता हूँ। मे बी इट्स अ ट्विन सिलेंडर इसलिए होगा, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द साउंड। वो साउंड जो है वो भी एक जो है थोड़ा सा वाइब्रेशन लाता है बाइक में। एंड एज वी ऑल नो बेनेलीज आर फॉर द साउंड। इसकी 650 भी बहुत ही ज़बरदस्त साउंड करती है, आई थिंक 650 या 600 जो भी है वो भी भयंकर साउंड करती है। बट एक चीज़ बहुत ही सही है कि आपको गियर शिफ्टिंग की ज़रूरत ही नहीं है, बस सिक्स्थ गियर पे डाल लो, बाइक अपने आप जो है वो चलती रहेगी और मज़ा आता रहेगा। ओ हो, 100 पे पहुंच गए भाई, 100। सो सिटिंग पोस्चर जो है बाइक का बहुत ही कंफर्टेबल है, थोड़ा सा जो है फुट पैग्स रेयर सेट है, तो आई थिंक सो लॉन्ग राइड्स में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। सेंटर सेट रहता तो थोड़ा अच्छा रहता, अदरवाइज सिटिंग पोस्चर एकदम अपराइट है, कंफर्टेबल है, आपके शोल्डर्स में कोई पेन नहीं है आएगा इसमें, और सैडल जो है इसका जो सीट है बहुत ही कंफर्टेबल है, अच्छी वेल पैडेड सीट है। बाबा स्पीड कैमरा 1000 रुपीज़ फाइन चार्ज, आराम से चलाना पड़ेगा भाई, यहाँ पे स्पीड लिमिट 80 की है। मुंबई 132। भाई स्पीड जो है वो डिवाइस वहां पे था, पुलिस वाले खड़े हुए थे स्पीड डिवाइस को लेके, आई डोंट नो क्या बोलते उसको, क्या बोलेंगे, स्पीड डिटेक्टर। अच्छा हुआ स्पीड कम कर ली, वरना हो गया था 1000 रुपीज़ का चार्ज, 100 अबव होती तो 100% जो है वो रिकॉर्ड हो जाता। आजकल पुलिस वाले जो है वो साइड में छुप के खड़े रहते हैं ताकि स्पीड जो है वो रिकॉर्ड हो सके। क्या भाई मजा आएगी नहीं है? उफ्स, मैं रुक गया था, मैंने स्पीड कम कर ली थी। मैं चल रही है, फाइव थाउजेंड। हाँ, ओके। तो देखो भाई अपनी पारों को लहराते हुए जा रही है सामने, अलग ही था है भाई अपने पारों का भी। So, इसमें ना वाइजर की जरूरत है, अगर ये वाइजर लग जाए ना यहाँ पे तो थोड़ा विंड जो ब्लास्ट आता है हाई स्पीड्स पे वो कम हो जाएगा।
इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका ठीक ठाक है, थोड़े से छोटे डायल्स है, बट एनालॉग और डिजिटल का मिक्सचर है जो कि अच्छा है। ओ यार कितने दिनों बाद हल दिखाई दिया यार। हाँ से हल याद है आप लोगों को, हिंदी क्लासेस बहुत दिनों बाद मुझे दिखाई दिया, वरना ज़्यादातर तो आजकल ट्रैक्टर से ही जो है वो काम हो जाता है। यार खूबसूरती देखो यार महाराष्ट्र की, गजब है गजब। ये देखो सामने आए हाय हाय, ये पहाड़, ये शानदार सड़क, और इस सड़क पे राइड करता है तुम्हारा भाई। ऊपर क्या नज़ारे होंगे यार, गजब। एक्सीडेंट प्रोन जोन, धीरे 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 धीमे 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 धीमे। वो देखो यार सामने नजारे, बादल देखो, बादल पूरे पहाड़ पे दिख रहे हैं, वाओ गजब यार। तो यहाँ से रास्ता एकदम सीधा सीधा ही है आते हुए, तो आपने देख ही लिया है, तो आप डायरेक्ट मुंबई में ही मिलते हैं, क्या बोलते हो? चलिए तो अभी हम आ गए हैं दूसरे वाले टोल नाके पे, जिसे बोलते हैं मनोर टोल नाका। यहाँ पे थोड़ा वाटर ब्रेक लेंगे, बाइक चेंज कर लिया है अब, चलो। तो भाई बाइक हो गई है चेंज, आए हाय हाय पारो पे आके लग रहा है मज़ा आ रहा है, पारो तो पारो है भाई। तो भाई मुंबई पहुंच गए हैं, ये है वसई क्रीक वाला ब्रिज। आई डोंट नो टाइम क्या हो रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पे जो है बैटरी का जो काम हुआ था उससे मेरा टाइम रीसेट हो गया है बाइक का, और घड़ी पहनना मुझे पसंद नहीं, तो टाइम क्या हो रहा है अभी मुझे पता नहीं। चलो बाय बाय। सो मैक यहाँ से अपने घर के लिए, आगे एक सिग्नल आएगा वहाँ से राइड के लिए निकल जाएगा, और हम निकल जाएंगे सीधे अपने घर के लिए। बस इन रोड्स पे ऐसा लगता है, ट्रैफिक में ऐसा लगता है कि यार काश बाइक की इतनी हाइट नहीं होती। हालांकि मुझे इतनी कोई दिक्कत हो नहीं रही है, बट फिर भी ऐसा लगता है कि काश हाइट थोड़ी कम होती तो मज़ा कुछ और ही होता। भाई ट्रैफिक देख लो ट्रैफिक। जी हाँ, हमारा वर्ल्ड फेमस दहीसर ब्रिज आ गया है, और देखिए मेट्रो लाइन भी पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है, मेट्रो रोर करने के लिए तैयार है। अभी शायद जो है वो ट्रायल्स चल रहे हैं, मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था, बट पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है मेट्रो। सो दोस्तों ये थी एक छोटी सी राइड हमारी, ब्रेकफास्ट राइड।
तो ये राइड आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहता है। तो कमेंट करिए, बताइए राइड कैसी थी, और नया ऑज़्मो एक्शन का जो मोटो व्लॉगिंग सेटअप है वो आपको कैसा लगा वो भी बताइएगा, माइक की क्वालिटी कैसे लगी, सब चीज़ें मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाएं। इंजन बंद करता हूँ, मिलूँगा एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।